एक मर्तबा हजरत कतादा रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, हजरत कतादा जंग लड़ रहे थे। जंग लड़ते लड़ते एक तीर हजरत कतादा की आंख में लगा, और जब आंख में तीर लगा तो आंख का डेला बाहर आ गया। जब आंख का डेला बाहर आ गया तो हजरत कतादा ने आंख का डेला अपने हाथ में लिया, और हाथ में लेकर हजरत कतादा बारगाह रिसालत में आए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, हुजूर ये मेरी आंख निकल गई है। सच सच कहना, ईमान लगती कहना कि अगर आप किसी के साथ काम कर रहे हो, किसी सियासी लीडर के साथ या किसी आलिम के साथ या किसी डॉक्टर के साथ, किसी वकील के साथ या किसी इंजीनियर के साथ अगर आप काम कर रहे हो और आपका कोई नुकसान हो जाए और आप उसके पास जाए, तो वो कहेगा भैया मैं क्या करूं, इसलिए कि जो इस फील्ड का माहिर है, तुझे तो उसके पास जाना चाहिए। लेकिन देखिए, मेरे आका तो नबी थे, सैयदुल अंबिया हैं, नबीजुल अंबिया हैं। आंख निकल गई, सहाबी रसूल कतादा आंख लेकर के हुजूर के पास आए, हुजूर मेरी आंख निकल गई, अच्छी कर दीजिए। अब आप बताएं, कभी कभी मेरी कौम के नौजवान छोकरे जिन्होंने इल्म दीन नहीं पढ़ा, हदीस नहीं पढ़ा, वो क्या कहते हैं, नबी के पास जाकर मदद मांगना ये शिर्क है, अल्लाह से डायरेक्ट मदद मांगो। ओ मेरे भैया, ये बात तू कहां से लाया कि नबी से मांगना शिर्क है? अरे अल्लाह रब्बुल इज्जत महबूब से कहता है, वो अम्मा साइला फला तनहर, कि महबूब जब तेरे पास कोई मांगने आए तो उसको झिड़कना नहीं। मतलब क्या निकला कि अता कर देना। क्या मतलब निकला? अता कर देना। अब भाइयों मुझे बताओ, अगर एक बार आप किसी से मांगने जाएं और आपको वो दे दे, तो दोबारा आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बोलो जाएंगे कि नहीं जाएंगे? अरे होना तो ये चाहिए था, अगर नबी से मांगना शिर्क था तो अल्लाह कह देता महबूब जो तेरे पास मांगने आया उसको झिड़क के भगा देना और कहना जा अल्लाह से मांग। बोलो यही कहना चाहिए था। लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है, वो अम्मा साइला फला तनहर, जो मांगने आया उसको झिड़कना नहीं प्यारे मेरे महबूब, उसको झिड़कना नहीं बल्कि अता कर देना। क्यों? इसलिए कि वल्लाहु युती नमाना कासिम, आका से कहलवा दिया गया बेशक अल्लाह देने वाला है और मैं तकसीम करने वाला हूँ। तो पता चला कि हबीब तो देने वाले हैं, आका तो देने वाले हैं, और जो देने वाला है उसी से मांगा जाता है। मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों, इस तरह की बातें मत कहा करो। ये बातें यहूदी कहते थे कि नबी से मांगना शिर्क है, नबी से मांगना हराम है। ये बातें ईसाई लोग कहते हैं, ये बात मुसलमान लोग नहीं कहते। इसलिए अगर अपना ईमान बचाना है तो ऐसी अलती भलती बातें करके ईमान तबाह मत करो, अपने ईमान की को आग मत लगाओ। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, गजब हो गया। लोगों ने दूसरों से सुनते सुनते सब कहना शुरू कर दिया, नहीं नहीं, नबी तो देने के लिए आता है, नबी तो बांटने के लिए आता है, नबी अल्लाह के खलीफे आजम है, नबी अल्लाह के वजीर आजम है, नबी अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्तादा है, नबी अल्लाह रब्बुल इज्जत के नायब अकबर है, वो देने आए हैं, अता करने आए हैं। और सहाबा का नजरिया यही था। आज हमने अपने बच्चों को हीरो की जिंदगी तो बताई, आज हमने अपने बच्चों को जो है क्रिकेटर की जिंदगी तो बताई, आज हमने अपने बच्चों को अल्लाह व रसूल के फरामीन नहीं बताए, हुजूर की सीरत और हुजूर की जिंदगी नहीं बताई। उससे नुकसान क्या हुआ? हमारे बच्चों ने होटल पर बैठ करके किसी अहरे गहरे से कुछ सुना, उसी के साथ हो लिए, इधर उधर कुछ सुना गली मोहल्ले में, उसी के साथ हो लिए। नहीं, अपने घर में अपने बच्चों को अपने नबी का इश्क पिलाओ, अपने नबी की मोहब्बत पिलाओ, और जिसकी सीरत बताओगे। और हमारे यहाँ गड़ी हुई बातें नहीं है, क्योंकि अपने नबी की शान तो कुरान बयान कर रहा है। हजरत कतादा बारगाह रिसालत में आए, डायरेक्ट अल्लाह की बारगाह में नहीं गए, क्योंकि वो जानते थे कि अल्लाह की बारगाह में डायरेक्ट कैसे जाऊं, कि जिसने कुरान दिया इनके जरिए, रहमान मिला इनके जरिए, ईमान मिला इनके जरिए, नमाजें मिली इनके जरिए, सुजूद मिले इनके जरिए, रुको मिला इनके जरिए, सब तो इनके जरिए मिला। जब वो देने वाला इनके जरिए देता है तो मुझे इनके जरिए लेने में जाता क्या है? मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों, कतादा ने कहा मेरे आका मेरी आंख निकल गई है। हुजूर ने ये नहीं कहा कतादा जा अल्लाह से मांग, अल्लाह देगा। आका ने ये नहीं कहा कतादा मैं डॉक्टर थोड़ी हूँ जो तेरा ऑपरेशन कर दूं। नहीं नहीं, क्योंकि मेरे आका वो हैं, इमाम फरमाते हैं वाह क्या जूदो करम है, शह बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। मेरे सरकार ने क्या किया? अच्छा, आंख दुरुस्त करने के लिए, देखो आंख दुरुस्त करने के लिए क्या चाहिए? पट्टी चाहिए, कपड़ा चाहिए, दवा चाहिए, यही सब चाहिए।
चले उस दौर में जड़ी बूटी थी तो जड़ी बूटी चाहिए, लेकिन मेरे आका ने क्या किया, कतादा की आंख का ढेला अपने हाथ में लिया, अपना लुआब निकाला, कतादा की आंख में लगाया और वो ढेला लगा दिया। जैसे ही ढेला लगा दिया तो वो आंख में लग गया। कतादा कहते अल्लाह की इज्जत की कसम, पैदाइशी तौर पर आंख में जो रोशनी थी नबी ने हाथ लगा दिया तो उससे ज्यादा रोशनी मेरी आंख में पैदा हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आका की शान है। ये अपने इसलिए बातें सुनकर मोहब्बत पैदा होगी और इस बात से कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता, ये शान तो अपने आका की है ही ना। और आपको बताऊं कहानी किस्से में, गुड़िया की कहानी, बुड्ढे की कहानी, परियों की कहानी, चांद मामू की कहानी, सितारों की कहानी, इन सारी कहानियों में झूठ भरा हुआ है, इससे फायदा कुछ नहीं। लेकिन अपने आका को के मौजजात बताओगे तो आपके बच्चों के अंदर ईमान पैदा होगा, यकीन पैदा होगा और आपको सवाब भी मिलेगा। और अगर हम आशिक़े रसूल बना के मर गए तो कब्र में सुकून से सोओगे, आपका बच्चा आपका बेवफा नहीं होगा। अपनी आका की जिंदगी बताओ।